तो कैसे हो आप सब भी। तो आज हम बनाने वाले हैं एक इंचेंटिंग टेबल रूम। तो उसके लिए हमें चाहिए था सॉरी सैंक। तो सामने हमें मिल गया सैंक, इसके हमें सैंक से बनाना पड़ेगा गिलास, इसलिए हमें सैंक चाहिए। क्या बोल रहा हूँ, मिल गया सैंक, इस सैंक को हमें माइन करना पड़ेगा। तो सैंक तो हमने माइन कर लिया है, इस सैंक को लेके हम अपने घर चलते हैं। चलो तो सैंक लेके हम अपने घर आ चुके हैं। यहाँ पे हमने थोड़े कबल स्टम पिघलाने के लिए दिया था, क्योंकि हमें स्टोन चाहिए, स्टोन से हमारा बिल तो बनाना पड़ेगा, इसलिए तो हमने सैंक बनाने के लिए रख दिया। थोड़ी देर बाद हम लेते हैं सैंक को, सैंक क्या है बोल रहा हूँ, ग्लास को। तो अभी हमें चेंटिंग टेबल बनाने के लिए थोड़ी सी चाहिए पेपर एंड थोड़े बुल्क शेप। पेपर बुल्क शेप बनाने के लिए हमें पेपर चाहिए, पेपर से हम बुक बनाएंगे, इसके बाद बुल्क शेप। तो अभी हम पेपर बनाने के लिए थोड़े रेसिपी चेक करेंगे। ए रहा पेपर, एक रेसिपी पेपर हमने बना लिया है। एक शुगर कैन से एक पेपर ही होता है, क्योंकि तीन शुगर कैन से तीन पेपर बनता है, इसलिए हमें बुक बनाने के लिए चाहिए था लेदर। लेदर के लिए हमारे पास है थोड़ी सी काव ए रूम अपने बनाना नहीं देता तो आ जाना। तो हमारे पास स्विच था, पहले हम इसको बुक कर लेंगे, क्योंकि इसके बच्चा हो एंड इसको बच्चा फिर बड़ा होगा उसको भी हम मार देंगे। तो मेरे पास इतना लेदर क्यों है, चलिए देखता हूँ काव इतना सब कम क्यों है। तो हमारे पास देखा है अपने पेवर पहले से था, हमारे पास कैसे आया था ये लेदर अब तो जानते हो। तो अब हमें बुक बनाना पड़ेगा, बुक की रेसिपी बहुत ही सोची, तीन पेपर ऊपर लेदर नीचे, तो है ऐसे हम बुक बना सकते हैं। बुक बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन आपको शुगर कैन बहुत चाहिए। हाँ तो पहले से हमारे पास मंजिल था, इसलिए हमने काम शुरू कर दिया, लेकिन हमारा वीडियो करना भूल गए थे, इसलिए हम चले शुरू करते हैं। फिर से बोलता हूँ ये नहीं जानता। तो हमें बीज बनाने के लिए आपको फाइव बाई फाइव का एक गड्ढा करना पड़ेगा दो ब्लॉक नीचे की तरफ। तो हमने गड्ढा कर रहे हैं, तो हम ऊपर डिजाइन देंगे काला सा उच के साथ, वो काला उच नहीं जो आप सोच रहे हो, डार्क उच नहीं है, बार जो उतना क्या कहते हैं जो भी हो इसके साथ। तो हम नीचे के फ्लोर कंप्लीट करेंगे ऑन एंड ओनली हमारा कोबल स्टोन के साथ। कोबल स्टोन हमारे लिए बहुत रेयर है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा माइनिंग में नहीं जाते, अगर वो चाहते भी हो तो मर जाते हैं। तो फ्लोर कंप्लीट होने के बाद हम डिजाइन देंगे, एक एक कॉर्नर पे हम पहले एक एक प्लेयर खड़ा कर देंगे तीन ब्लॉक का, लेकिन पहले तीन ब्लॉक का। तो चारों तरफ हमने बेसिक के लेआउट दे चुके हैं हम, तो कुछ ऐसा अंदर से दिखेगा। एंड हम चिड़ी को चॉप कर लेंगे, क्योंकि अच्छा दिखना चाहिए। एंड हमको नीचे एक ब्लॉक एक तरीका रहना चाहिए, क्योंकि अच्छा दिखना चाहिए ना। तो ऐसे हम चारों तरफ की माइन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम देने वाले स्टोन की इसको स्टोन क्या क्या बोलते हैं जो भी हो, ऐसे हमें हर तरफ ऐसे कर देना है। तीन ब्लॉक का ऊंचाई रहेगा, तो दिख सकते हो ऐसे चारों तरफ को आप चॉप कर सकते हो, अगर नहीं इच्छा हो तो चॉप नहीं कर सकते हो, आपकी इच्छा। तो ग्राउंड फ्लोर से तीन ब्लॉक ऐसे दो ब्लॉक लग रहा था, इसलिए हमें कम हो गया था, इसलिए हम तीन ब्लॉक करेंगे। हमें उतना थोड़ा झमेला है, इसलिए हम ऊपर उठने की कोशिश। तो ब्लॉक से कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ पे गत्ते किए थे, वो अब हम स्टोन के ब्रिक से कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि स्टोन के ब्रिक अच्छा लगता है। क्या भोसड़ी के मरना तेरे को डर नहीं लगता। तो ब्लॉक कंप्लीट हो चुका है, ब्लॉक कंप्लीट होने के बाद गलती से क्या ब्लॉक आता है, ब्लॉक कंप्लीट होने के बाद कुछ ऐसा दिखना चाहिए आपको, आपका कैसा दिख रहा है बताना, मतलब तो अच्छा दिख रहा है, सुना पड़ेगा क्योंकि रात हो चुकी है। तो सुबह होने के बाद हमें खाना खाना जरूरी है, क्योंकि खाना नहीं खाया तो हमारा तबीयत अच्छा नहीं होगा। तो हम सोच रहे थे स्टोन से हम रूप बनाएंगे, लेकिन स्टोन से बनाते चलो, स्टोन से अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वुडन प्लैंक से बनाते। तो स्टेयर केस बनाने के बाद हम स्टेयर केस कुछ ऐसे दे देंगे, आप देख सकते हो बहुत ही प्रोफेशनल यूट्यूबर हूँ मैं, तो ऐसे देना पड़ेगा चारों तरफ, तो चारों तरफ कुछ ऐसे देना पड़ेगा अब ऐसे, हाँ ऐसे ही तो था शायद मैंने जैसे सोचा था। तो अब हमें ऐसे करना पड़ेगा।
क्योंकि मैंने जैसा सोचा नहीं था वैसा नहीं है। तो अभी हमें कुछ ऐसा देना पड़ेगा, अभी और गलती नहीं होगा क्योंकि कंट्रोल। तो अभी कुछ ऐसा दिख रहा है क्योंकि हमने अब अच्छा बनाया है, हम तो लग रहा है अच्छा बनाया है। तो चारों तरफ हम ऐसा ही बनाना पड़ेगा क्योंकि अच्छा दिखेगा, नहीं तो बुरा दिखेगा। आप लुक भी बना रहे चारों तरफ ऐसे। अगर आपके पास माइनक्राफ्ट नहीं है तो कहीं भी चाहिए मुझे बोल देना। तीनों तरफ कंप्लीट हो चुका है, तीनों तरफ मतलब सामने और लेफ्ट और राइट। अभी पीछे की तरफ बाकी था, ये भी हम कंप्लीट कर लेंगे। सॉरी, मेरा हिंदी अच्छा करना पड़ेगा, थोड़ी सी खराब है। तो ये चारों तरफ कंप्लीट होने के बाद अब हम रूफ टॉप डिजाइन करेंगे कुछ ऐसे, मतलब कुछ ऐसे जैसे यहाँ पे एक ब्लॉक को तो लगाओ, फिर सामने की तरफ जाके एक ब्लॉक कि ये है बेसिक ब्लॉक जिससे हम ये ब्लॉक हम नहीं लगाओगे तो भी है कि ये हमारा इसको कहते हैं फ्रेम की ब्लॉक, ये ऐसे बनाएंगे हम, समझ रहे हो मेरी बात। तो चारों तरफ की ऐसा एक ब्लॉक तोड़ना पड़ेगा, मतलब ये ब्लॉक एक ये है हमारा बेसिक ब्लॉक, इसको हम तोड़ देंगे क्योंकि इसको अब अभी कोई इम्पोर्टेंट नहीं, इसको हमने यूज़ किया है। तो चारों तरफ एक करने के बाद अब हमें चाहिए थोड़ी सी स्लैब, स्लैब से हमें ये सजी जिंदगी चारों स्लैब मतलब दो स्लैब यहाँ पे लगाएंगे और दो स्लैब यहाँ पे क्योंकि बहुत अच्छा दिखेगा। एंड इस ए स्लैब यहाँ पे क्योंकि ये बेसिक ब्लॉक नहीं, इसको और कुछ बोलते हैं लेकिन मुझे आती नहीं बोलना, भूल गया। तो ऐसी है एक तरफ डिज़ाइनिंग, तो चारों तरफ हम डिज़ाइन कर लेते फिर मिलते हैं। तो चारों तरफ की हमारे कंप्लीट हो चुके हैं एंड हमें थोड़े से ऊपर डिजाइन देना पड़ेगा, दो ब्लॉक था इसको भी हम कंप्लीट दे देंगे, गलत लग गया यहाँ पे, आपको छोड़ देना है क्योंकि यहाँ पे हम डिज़ाइन देंगे कुछ ऐसे। तो अब हमें डिजाइन देने के लिए थोड़ी सी चाहिए, तो इसको तोड़ लेंगे पहले। थोड़ी सी चाहिए हमें, बुरा लगता है भाई आप लोग भी जानते हो। तो हमें डिजाइन देने के लिए चाहिए था थोड़ी सी स्टेयर्स केस, तो हम ऊपर उठेंगे, तो हमें फिर से ऊपर उठेंगे रनिंग देंगे। तो यहाँ पे एक स्टार दे देंगे क्योंकि अच्छा दिखेगा, तो चारों तरफ ऐसे ही स्टार देंगे हम। तो चारों तरफ कंप्लीट होने के बाद कुछ ऐसा दिखना चाहिए, मैंने जैसा बोला आपने अगर ऐसा किया तो आपके बिल भी ऐसा दिख रहा होगा शायद। तो हमें इंटरेक्ट डिज़ाइन करने के लिए चाहिए थोड़ी सी ग्लास, ग्लास हमें जहाँ पे भी एक खाली देखेगा वो पे हमें भर देना एकदम सीलिंग की तरह, सीलिंग एकदम ऊपर ऊपर तक। तो चारों तरफ हम भर देते हैं, तो हमें सब तरफ तो कंप्लीट कर लिया है। तो कुछ ऐसा दिख रहा है एंड हमें थोड़ी सी डोर चाहिए क्योंकि एक तरफ हम डोर देंगे और एक तरफ ग्लास देंगे एंड हमें थोड़ी सी चाहिए, क्या भूल गया, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो हमारे पास से डायमंड था, डायमंड से हम बनाने वाला एक भी 100 डायमंड हमें 100 ने 6 डायमंड हमें कैसे मिला तो जानना पड़ेगा, जानना है तो पिछले वाले भी जो देख सकते हो वहाँ से हमें कैसे मिले वो हमने बताया था। तो आपको अगर नहीं पता है तो हमें डायमंड की पिकेक्स की ऊँचाई है था इतने जरूर पता चल जगह जाया होगा क्योंकि हमें चाहिए था ऑब्सिडियन चाहिए था। तो चार ऑब्सिडियन जो डायमंड हमें क्या बनने वाले हैं वो तो आपको पता ही होगा, और कुछ नहीं हमारा वन एंड ओनली द एन्चेंटिंग टेबल। तो चारों तरफ हमें ऐसा बुक शेल्फ देने के बाद हमें हैप्पी और दो था उसको हमें कंप्लीट कर दिया। तो बीच पे हमें देना पड़ेगा एन्चेंटिंग टेबल एक ब्लॉक पीछे क्योंकि नहीं तो बुक की एन्चेंटिंग हैप्पी नहीं आएगा। तो हमारा एन्चेंटिंग टेबल रूम कंप्लीट तो हो चुका है लेकिन थोड़ी सी हम डिटेल्स देते हैं तो डिटेल्स देने के बाद हमारा एन्चेंटिंग टेबल रूम कुछ ऐसा दिख रहा है बाहर से एंड अंदर से कुछ ऐसा दिख रहा है क्योंकि यह तो हमने